तो यार जब से मार्वल और डीसी की मूवीज का चलन शुरू हुआ है तभी से आप सबने एक बात नोटिस की होगी, इंटरनेट पर एक डिबेट फैंस के बीच बहुत ज्यादा चलती है कि आखिर मार्वल और डीसी इन दोनों के यूनिवर्सिस में सबसे पावरफुल कौन है, मार्वल का द वन अबाव ऑल या डीसी का द प्रेजेंस या फिर मार्वल यूनिवर्स से ही प्री रेडकॉन बियॉन्डर या द वन बिलो ऑल। काफी ज्यादा कंफ्यूजन इन सब में क्योंकि इनकी कहानी को लिखते हुए बहुत टाइम हो चुका है एंड डिफरेंट राइटर्स अपना अलग अलग ओपिनियन देते आए हैं। इवन एक बार तो राइटर्स को इतनी फ्रीडम दे दी गई थी कि उन्होंने थैनोस के हाथों ही द वन अबाव ऑल को मरवा दिया था। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए बट फिर भी ये क्यों हुआ और मल्टीवर्स के बाद जब ऑमनीवर्स आएगा तो सबसे पावरफुल गॉड कौन होगा, ये जानना हो तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यहीं पर आपके सारे डाउट्स बिना एक दूसरे की टांग खींचे क्लियर हो जाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, एम सिर्फ 8500 लाइक्स का ही है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस कड़ी को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा आखिर ये यूनिवर्सेस डायमेंशंस एंड मल्टीवर्सेस सबका पंगा क्या है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे आखिर जिन विंग्स की हम बात कर रहे हैं वो किस लेवल तक अपनी पावर शो कर सकते हैं। अब देखो फिक्शनल वर्ल्ड में एक मल्टीवर्स को एक बहुत पावरफुल बींग यानी लिटरल गॉड ने बनाया होता है, जैसे कि द वन अबाव ऑल या द प्रेजेंस, यानी यही बींग्स प्लेनेटरी लेवल पर मोस्ट पावरफुल होंगे और गैलेक्सीज डायमेंशनल एंड मल्टीवर्सल लेवल पर भी, जो काफी बड़ी बात है। लाइक ये सिर्फ एक थॉट से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन्हें क्रिएट कर सकते हैं यानी ओमनीपोटेंट, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं चाहे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कोई भी टाइम हो यानी ओमनीप्रेजेंट, मल्टीवर्स में चल रही हर चीज का इन्हें पता होता है यानी ओमनीसाइंस। लेकिन क्या ये ओमनीलॉक भी है, मतलब इसके बाद क्या, क्योंकि मल्टीवर्स के बाद भी एक लेवल आता है और वो है ओमनीवर्स, जहां द वन अबाव ऑल एंड द प्रेजेंस जैसे कैरेक्टर सिर्फ अपने अपने मल्टीवर्सेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी डीसी यूनिवर्स में द वन अबाव ऑल की पावर नहीं चलेगी और सेम मार्वल में प्रेजेंस की नहीं, एंड चलेगी भी तो एक दूसरे के मल्टीवर्सेस में इन्हें गॉड की तरह नहीं माना जाएगा एंड इसलिए यहाँ चीजें काफी अलग हो जाती हैं, क्योंकि ओमनीवर्स में दुनिया की सारी फ्रेंचाइजेस भी आ जाती हैं, लाइक एनिमी हो गया, कोई हॉलीवुड मूवी हो गई, कोई गेम होगी एटसेट्रा, जहाँ इनके खुद के अपने गॉड होंगे और इनके लिए वही सबसे पावरफुल होंगे। इसलिए सवाल बनता है कि फिक्शनल ओमनीवर्स में कौन सबसे पावरफुल रहेगा, मार्वल का ही द वन अबाव ऑल या डीसी के प्रेजेंस की तरह कोई और नया कैरेक्टर आएगा जो कम्प्लीट ओमनीवर्स पर रूल करेगा। इस बात का जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम प्री रेडकॉन बियॉन्डर को ना समझ लें। अब इस कैरेक्टर को यहाँ क्यों लाया गया सोच रहे होंगे, वेल इसका एक रीजन है। एक्चुअली ये विंग मार्वल मल्टीवर्स के बाहर बियॉन्ड रियल्म एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी दुनिया जो मार्वल के मल्टीवर्स से कई करोड़ों गुना ज्यादा बड़ी थी, इतनी ज्यादा कि बियॉन्डर के सामने मार्वल मल्टीवर्स सिर्फ पानी के एक ड्रॉप के बराबर था। मतलब समझ सकते हो बिल्कुल ओमनीवर्स जैसा कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें बियॉन्डर काफी टाइम से मार्वल मल्टीवर्स को स्पेस टाइम में एक छेद के थ्रू स्टडी कर रहा होता है, जो एक लैब टेक्नीशियन ओएन रीस यानी मॉलिक्यूल मैन की गलती की वजह से बना था। जहां एक बात ध्यान रखना, इससे पहले बियॉन्डर को यही लगता था कि वही एग्जिस्टेंस में अकेला है, इसलिए जब उसे एक अनदर वर्ल्ड के बारे में पता चला तो उसके मन में सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हुई और फिर वो अपनी सारी एनर्जी को एक बॉडी की फॉर्म देकर 1984 की सीक्रेट वॉर्स में सबकी बैंड बजाने आ जाता है। ये बियॉन्डर का एक छोटा सा ओरिजिन था। अब इसकी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। बियॉन्डर के अकॉर्डिंग पूरा मार्वल मल्टीवर्स तक उसकी एग्जिस्टेंस को होल्ड नहीं कर सकता था। इवन क्या पता तुम्हारी ये दुनिया भी जाने अनजाने में मुझसे ही बनी हो, उसने ये तक कहा है। गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस एंड बिलियंस ऑफ डायमेंशंस को बियॉन्डर सिर्फ अपनी एक चुटकी से खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि इसने एक बार तो पूरे मल्टीवर्स में डेथ के कॉन्सेप्ट को ही इरेज कर दिया था। मतलब समझ सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि डेथ को मार दिया, बल्कि डेथ के आइडिया को ही उसने खत्म कर दिया था, जो सिर्फ एक ट्रूली ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग ही कर सकता है। बट क्या ये ओमनीलोक भी है, यानी क्या ये किसी और गॉड के मल्टीवर्स में जा सकता है? जी हाँ, इसने ये भी किया है जो अभी तक द वन अबाव ऑल और द प्रेजेंस नहीं कर पाए हैं। मतलब ऑन स्क्रीन एटलीस्ट इनकी पावर्स के साथ साथ एक अलग फील्ड सिर्फ प्री रेडकॉन बियॉन्डर के पास ही है, जो इसे इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल बनाती है। और यही प्रॉब्लम की बात भी है, क्योंकि एक्चुअल गॉड हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके लिए हर एक लाइफ अपने बच्चे की तरह होती है, चाहे वो अच्छा हो या शैतान, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो बात द वन अबाव ऑल और द प्रेजेंस में है, मतलब एक गॉड लाइक कैरेक्टर, बट प्री रेडकॉन बियॉन्डर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो हर छोटी से छोटी चीज में इंटरफेयर कर देता था। मतलब इसके क्रिएटर जिम शूटर बिल्कुल मनमानी कर रहे थे और इसी चक्कर में मार्वल इन्हें फायर भी कर देता है एंड प्री रेडकॉन बियॉन्डर को रेडकॉन भी। मतलब हमें बियॉन्डर की फॉर्म में एटलीस्ट ओमनीवर्सल लेवल पर गॉड का कॉन्सेप्ट मिल सकता था, लेकिन चीजें बिगड़ गई थी। इसीलिए इसके बाद इस तरह शो किया गया कि बियॉन्डर मार्वल ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करता है और वो और उसकी दुनिया मल्टीवर्स के लिए काइंड ऑफ एक बेस की तरह है, यानी वो रहता तो मल्टीवर्सेस के बाहर ही है लेकिन है मार्वल ओमनीवर्स के अंदर। मतलब अब टर्म चेंज होकर ओमनीवर्स से मार्वल ओमनीवर्स हो गई थी, यानी मार्वल का अलग ओमनीवर्स बना दिया और डीसी और अदर फ्रेंचाइजेस का अलग। यानी फ्यूचर में आपको ये नहीं कह सकता था कि मार्वल और डीसी के लिटरल गॉड्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये है ही अलग अलग ओमनीवर्सेस के।
जहां मार्वल ओमनीवर्स में अब सिर्फ वही मल्टीवर्सेस आएंगे जो मार्वल से रिलेटेड हैं, लाइक सोनी पिक्चर्स, 20th Century Fox, MCU, इन सब में जो भी मार्वल रिलेटेड मूवीज बनी थी और जो बनेंगी। वैसे डिज्नी 20th Century Fox को खरीद चुका है, मुझे पता है। लेकिन आपका सवाल होगा कि मार्वल और डीसी की ऑफिशियल हैंडबुक्स एंड फैंडम पर तो ये लिखा है कि ओमनीवर्स में हर वो चीज आएगी जो एग्जिस्ट करती है और करेगी, चाहे तुम, मैं, तुम्हारी आने वाली क्रश, फ्यूचर मूवीज, हर कुछ। तो इसका सिंपल सा जवाब है लालच। एक्चुअली स्टूडियोज ये सोचते हैं कि वो फ्यूचर में कई और कंपनीज को भी एक्वायर कर लेंगे, लाइक मान लेते हैं डीसी मार्वल को या मार्वल स्टूडियोज डीसीयू को खरीद ले तो वो फिर उनके ओमनीवर्स में आएंगे। मतलब अपने फायदे के लिए इन्होंने ओमनीवर्स का कॉन्सेप्ट शेप दिया जिसमें हर चीज पर ये थियोरेटिकली अपना हक मानते हैं, चाहे बाकी और स्टूडियोज इस कॉन्सेप्ट को माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिर भी ओमनीवर्स को वैसे ही देखा जाए जैसे रियल लाइफ थ्योरीज कहती हैं और जैसे मार्वल और डीसी क्लेम भी करते हैं कि सब कुछ हमारा है, यानी सब कुछ एक ही ओमनीवर्स में आता है, तब द वन ऑफ ऑल और द प्रेजेंस ऑल पावरफुल गॉड नहीं माने जाएंगे और बियॉन्डर जैसे ही किसी और अननोन बीइंग का कॉन्सेप्ट इनसे ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि तब किसी और को गॉड बनाना होगा, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि द वन ऑफ ऑल और द प्रेजेंस एक ही है। मतलब सिंपली पुट करे तो ये दोनों राइटर्स की पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये सेम है और गॉड्स एक्चुअली कॉमिक्स और मूवीज के राइटर्स हुए और बियॉन्डर्स मूवीज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की तरह, या फिर सीधे स्टूडियोज के ओनर की तरह मान सकते हैं, जो इस बात को भी नजरअंदाज कर देते हैं कि राइटर्स क्या शो करना चाहते हैं और मूवीज में कई बार कुछ भी अनाव शनाव चेंजेस कर देते हैं। अब गाइस ये तो रहा एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है और किस तरह फिक्शनल वर्ल्ड में गॉड का कॉन्सेप्ट काम करता है। नाउ अब ये देख लेते हैं कि कॉमिक्स में हमारे इन 5 कैरेक्टर्स के लिए कोई लिमिटेशन है क्या? क्या ये कभी वीक पड़े थे? सबसे पहले डीसी के एक पैनल को देख लेते हैं जिसमें द प्रेजेंस ने कहा था वो इन्फिनाइट पावर होल्ड करते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी एक फोर्स है, यानी उस टाइम वो कॉमिक राइटर्स को बोल रहे थे। लेकिन मार्वल में द वन ऑफ अ वॉल के लिए सीधे यही कहा जाता है कि वही राइटर्स हैं, बस उन्हें कॉमिक्स में डिपिक्ट किया जाता है। जहन की 2 फॉर्म्स है, एक तो द वन ऑफ अ वॉल जो क्रिएशन एंड लव दिखाती है, तो दूसरी वन विल ऑल जो उसी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करती है ताकि कुछ और नया बन सके। बट स्टिल यहाँ एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस द वन ऑफ अ वॉल को मार चुका है, जो स्टोरी बाद में अनकैनन हो गई थी, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन प्री रेडकॉन बियॉन्डर की बात करें तो वो भी सेम इन्हीं की तरह पावरफुल था, लेकिन सब कुछ इंसानों की तरह एक्सपीरियंस करने के लिए इसने कई बार खुद की पावर को लिमिट करा है। मतलब ये एक नॉर्मल इंसान के हाथों भी मर चुका है ताकि ये महसूस कर सके कि मरना क्या होता है। मतलब ये हमें कॉमिक्स में बहुत वीक और लिमिटेड भी दिखाया गया है, लेकिन वो इसने खुद अलाउ किया था ताकि ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सके। तो गाइस ये था द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स का एक ओवरव्यू, जिसमें आपको क्या लगता है कौन ज्यादा शक्तिशाली है कमेंट्स में जरूर बताएं, और आगे और क्या देखना चाहते हो ये भी जरूर बताना। सीक्रेट वॉर्स बियॉन्डर से जुड़ी स्टोरी मैंने यहाँ कवर की है, तो इसे देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। नाउ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।